समीना बेटा, मुझे तो लड़की पसंद है, मेरी तरफ से हाँ समझो। ले आंटी, अम्मी ने तो फैसला भी सुना दिया, अब आप जब चाहें आके जाहिद को देख लें। विशाल कितनी प्यारी लग रही थी ना आज। पता नहीं, तू वही तो खड़े थे जब मेहमानों के पास गई थी। अरे और नहीं की विशाल। जी मानी। कैसे लगे तुम्हें वो लोग? आपको अच्छे लगे हैं तो अच्छे ही होंगे। लड़का दुबई में होता है, ये देखो तस्वीर। ये देखो। जरूरत नहीं है, आपने देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे कहने पे ही देख लो। अच्छा है ना, 5,000 दिरहम तनख्वाह है इसकी, और तुम्हें अपने साथ दुबई भी लेकर जाएगा, बहुत खुश रहोगी, ऐश करोगी ऐश। आपने रिश्ता फाइनल भी कर दिया? फाइनल नहीं किया, अच्छा लगा है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। क्यों? लड़के की उम्र ज्यादा है, बल्कि उसे लड़का बोलना ही नामुनासिब है। तुमसे किसने कहा कि लड़के की उम्र ज्यादा है? मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो पहले से शादीशुदा है। और तो और, उसकी 8 साल की बच्ची भी है। मिशाल तुम जाओ। ठहरो मिशाल। आपने ये सब बताया मिशाल को? तुम जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? झूठा कर दिया ना मुझे उसके सामने, मांगी थी वो रिश्ते के लिए। लुन्ना बहुत भूख लगी है, खाना लगवाए ना। जी पहले अर्शियान तो आ जाए। क्या हुआ बेटा, उठाया उसने फोन? नहीं मामा, फोन नहीं उठा रहा वो। दोबारा डायल करो। नहीं मामा, मामा मैं चलती हूँ। कहाँ भाई, पहले खाना तो खाओ तुम। नहीं मामा, लगता है घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा। बेटा मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, मेरे पास ड्राइवर है और गाड़ी भी है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है मेरा बेटा, अब जाएं प्लीज। अच्छा सुनो जारा, पहुंचते ही मुझे खैरियत की इत्तला जरूर दे देना। ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत ही शिकायतें हैं, होनी भी चाहिए। मैं यहां तुमसे तुम्हारी बात करने आया, ना कि अपनी।
देखो मशाल, शादी का फैसला जल्दबाजी में मत करना। कहीं ये ना हो कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत हो जाए। आयजा, अर्शियान को देखे हैं कहीं? नहीं, शायद कहीं बाहर गए हों। नहीं, गाड़ी तो यहीं है और मोबाइल भी यहीं छोड़ गए हैं। अच्छा, फिर आप अम्मी से पूछ रहे हैं। और कुछ कहना है आपने? तुम तो हाँ, बहुत कॉल्स की तुम्हें लेकिन तुमने रिसीव ही नहीं की। फिक्र हो रही थी तो मैं आ गई। हाँ, वो मेरा फोन। विशाल के कमरे में थे? हाँ, वो मुझे रोने की आवाज आई उसकी अंदर से, तो इसीलिए चला गया। शायद खुश नहीं है वो इस रिश्ते से। असल में आज उसको कुछ लोग आए देखने के लिए। मैंने भी कह दिया उसको कि अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम उसका यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। यही सब कुछ कहने के लिए चला गया। कहीं तुम्हें मिशाल के रिश्ते का अफसोस तो नहीं? मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है, कमरे में जा रहा। ये लो। क्या ये? चेक है जो तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था, 40 लाख का। सारा, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं। थैंक यू। बहुत आसान, पहले तारीफ करो और ये चेक ले लो। तारीफ? तुम कैसी बातें कर रही? क्यों, क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम मेरी तारीफ करो, मुझे खूबसूरत कहो? मुझे पता है कि मुझ में क्या कमी है, लेकिन अगर पैसे खर्च करके एक मुकम्मल इंसान से शादी की जा सकती है तो पैसों से तारीफ भी तो करवाई जा सकती है ना। ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ। 40 लाख चाहिए तो मेरी तारीफ करो। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही? क्या आवाज नहीं आ रही मुझे? खूबसूरत लग रही हो। थोड़ा रोमांटिक होके बोलो प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। और मेरी आंखें कैसी हैं? झील जैसी ना? मेरी चाल कैसी है? जैसे हिरनी? अब नहीं 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 नहीं, नहीं। जैसे मोरनी। अर्शियान, मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं बाबा से ले आऊंगी, लेकिन मुझे कभी छोड़ना मत। सारा, मुझे पैसों की लालच नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी लालच है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। हरा चेक।
तुम्हें काम करते हुए देख के आ गई। काश मैं भी तुम्हारी जैसी होती, कितना अच्छा लगता होगा ना तुम्हें जब कोई मुफ्त में तारीफ करता होगा तुम्हारी। मुफ्त में? तुम नहीं समझोगी। एक बात पूछूं? जी। रात अर्शियान क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? वो मैं रो रही थी तो मेरी आवाज सुनकर आए थे। क्यों रो रही थी तुम? मेरे लिए जो रिश्ता है वो पहले से शादीशुदा है, बल्कि एक बेटी का बाप। तुम इस बात पे रो रही थी और अर्शियान तुम्हें तसल्ली दे रहा था? नहीं, मैं इस बात पर नहीं रो रही थी कि वो पहले से शादीशुदा है। तो फिर किस बात पर रो रही थी? मामू जिंदा थे तो अक्सर मेरी शादी की बात किया करते थे, और अब जब मेरी शादी की बात होती है तो वो नहीं है। यही बात थी या कुछ और? एक और बात पूछूं? आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। अंकल तुम्हारी और अर्शियान की शादी करवाना चाहते थे ना? आपको किसने बताया? खुद अर्शियान ने। और तुम भी उससे शादी करना चाहती थी, है ना? आप नाश्ते में क्या लेंगी? वैसे तुम अपनी पसंद का नाश्ता करती हो या कुछ भी मिल जाए? ये कैसा सवाल है? बताओ। जो भी मिल जाए। क्या बता रही थी तुम सारा को? मैं बता नहीं रही थी, वो पूछ रही थी। अच्छा, वो पूछ रही थी और तुम जवाब में सिर्फ खामोश थी, है ना? क्या करते फिर हो तुम? क्यों, क्या कर दिया मैंने ऐसा? ये तुम कल रात मिशाल के कमरे में किस लिए गए थे? ऐसे ही। इससे पहले तो तुम मिशाल की शक्ल भी देखने के रवादार नहीं थे और अब तुम उसे कमरे में पहुंच गए? और ये तुम सारा को क्या कहते फिर रहे हो कि उससे शादी से पहले तुम्हारी मिशाल से शादी होने वाली थी? देखिए, इससे पहले से किसी और से मालूम होता बेहतर यही था कि मैं खुद बोल दूं, तो बोल दिया मैंने। देखो, मिशाल की शादी हो जाएगी, वो अपने शौहर के साथ दुबई चली जाएगी तो हम सबकी जान छुट जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ये रिश्ता उन्हें नहीं दूंगा। तो कहाँ करोगे उसकी शादी? जहाँ मुझे ठीक लगेगा। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे तो लगता है तुम तो मिशाल की शादी ही नहीं होने देना चाहते। ऐसा ही समझ ले। ये ले अम्मी चाय। अच्छा सुने, इतना अच्छा था वो रिश्ता, मिशाल इतनी प्यारी, मगर कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहे वो लोग तो। ना तो उनका फोन आया, ना उन लोगों ने कोई रابطہ किया हमसे। अरे फोन आ रहा, जा देख जाहिद का फोन ना, जा जल्दी लेकर आ। हाँ हाँ अम्मी, जाहिद का ही फोन है। तो ला मुझे दे, बस करो। अरे छोड़े ना, आपसे बात करने के लिए उसे ऊंचा बोलना पड़ेगा। आए, आए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जाहिद? ठीक हो? कहाँ? वो लोग तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ हाँ, लड़की तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अरे क्या क्या रहा है? कह रहे मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढने।
अरे उसे कहो थोड़े दिन ठहर जाए, हो सकता है वो लोग मान जाए। नहीं वो नहीं मान रहा, कह रहे एक हफ्ते की छुट्टी लेके आ रहा हूँ और आकर फौरन शादी करनी है मुझे। अब एक हफ्ते में हम कहाँ से रिश्ता ढूंढेंगे भाई। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर कल बताती हूँ तुम्हें कुछ। अच्छा बात सुन, इसे कहना आयशा के जहेज के लिए ना वहाँ से जापानी सामान लेकर आए, और हाँ उसे कहना कि मेरे कान की मशीन भी लेकर आए, कभी आवाज़ आती है कभी नहीं आती है। सुन लिया अम्मी क्या कह रही हैं? अम्मी वो कह रहे हैं यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। अरे खाक मिल जाता है, यहाँ तो हर चीज़ दो नंबर मिलती है। अरे उसे कह वहाँ असली मिलती है, यहाँ असली नहीं मिलती। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर बंद करती हूँ फोन। खुदा हाफिज़। मेरी बात तो कराती, फोन बंद कर दिया। अम्मी उसका बैलेंस खत्म हो गया था, आ रहा है ना अगले हफ्ते, कर लीजिएगा आप सारी बातें उससे। लो अगले हफ्ते आ रहा है, अरे एक हफ्ते में रिश्ते कहाँ ढूंढेंगे हम। क्या करूँ मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। याद आया वो बुशरा के चचा की कोई बेटी बेटी है ना, उसको देख लेते। उनके तो रोजाना फोन आ रहे हैं मुझे, आप बताओ मैं क्या जवाब दूं उन्हें। क्या कह सकती हूँ क्या जवाब दूं? अरे यही ना, हाँ या नहीं। नहीं देखिए रिश्ता तो मुझे पसंद है लेकिन मेरा बेटा नहीं मान रहा। उसे क्या मसला है? कोई एक मसला हो तो मैं बताऊं। वो कहता है कि लड़के की उम्र ज्यादा है, पहले से शादीशुदा भी है और फिर एक बेटी का बाप भी है। देखिए पहले तो आपको किसी भी बात पर एतराज नहीं था, आपको याद है ना आपने खुद ही कहा था दुबई वाला है रिश्ता करवा दो। हाँ जी मैं मानती हूँ, अकेले मैंने ही तो फैसला नहीं करना ना, बच्चों की रजामंदी भी तो शामिल होनी चाहिए। हाँ ये तो। अच्छा एक और रिश्ता है मेरे पास, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसका खुद का अपना UPS का कारोबार है, यहीं गर्मी के सीजन में इतना ज्यादा कमा लेता है माशाल्लाह से कि आपकी बेटी सर्दियों में बैठकर खाएगी। कहो तो कल ले आऊं मैं उन्हें। नहीं नहीं हमारे लिए बाहर का रिश्ता ही मुनासिब। मैं देखूं कोई लड़का। मिशाल रास्ता छोड़े मेरा, तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। किस तरह बात कर रही हो मुझसे मिशाल? बाहर जाने का रास्ता तो वहां से है, तुम पीछे क्या कर रहे थे? वो बस ऐसे ही आया था। ओ, फिर तो मिशाल भी बस ऐसे ही गई होगी है ना? मेरे लिए जो रिश्ता आया था आप उन्हें हाँ कर दें, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ।